बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक दोस्त ने सेंड की है, जिसमें किसी ने पाकिस्तान से लेकर इटली तक के सफ़र की दर्दनाक दास्तान सुनाने की कोशिश की है। तो वीडियो पूरी देखें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तान से इटली तक का सफ़र कैसे होता है। इसके अलावा आज से हम लोग एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक अच्छा मैसेज, एक अच्छी बात आप लोगों तक डिलीवर करूं। अगर आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर किया करें और आगे इसको फैलाएँ। तो पहले तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं बगैर टाइम।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इशफाक अहमद अपनी किताब में फरमाते हैं, मैंने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब ये सब्र क्या होता है, तो मौलवी साहब ने कहा, इशफाक साहब जब चारों तरफ ट्रैफिक हो, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हों और गाड़ियों में गाड़ियाँ फंसी हुई हों और आप अपनी गाड़ी चला रहे हों, निकलने का कोई रास्ता ना हो, ऐसे में आप पी पी करने के बजाय और हारन ना बजाएं और ना ही स्टीयरिंग व्हील पे अपनी उंगलियां बेचैनी से बजाएं, इसको सब्र कहते हैं। आप अपनी बारी का इंतज़ार करें और इस दौरान या लतीफ़ या वदूद का जिक्र जारी रखें। ऐसे मुश्किल वक्त में अल्लाह का कलाम बहुत राहत और सुकून पहुँचाता है। तो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह आपको आसानी अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।